मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के चलते मुरादाबाद डिलारी थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अस्पतालों का संचालन हो रहा है। बेरोक टोक चल रहे ये अस्पताल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों की हवा निकाल रहे हैं। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम चांदखेड़ी स्थित डिलारी करनपुर मार्ग पर बंद पड़े भवन में धड़ल्ले से अवैध जच्चा बच्चा अस्पताल का संचालन हो रहा है। मौके पर पहुंचे पत्रकारों ने जब वहां मौजूद चिकित्सक व स्टाफ से जानकारी लेनी चाहिए तो चिकित्सक ने मीडिया कर्मियों को देखते ही स्टाफ व जच्चा मरीज को स्टाफ रूम में बंद कर दिया और मौके से खिसक लिया। सूचना के बाद एक घंटे तक तरकाती रही स्वास्थ्य विभाग की टीम। मीडिया कर्मियों ने अवैध रूप से चल रहे जच्चा बच्चा केंद्र की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद लगभग एक घंटे तक स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने प्रकरण की जानकारी एसडीएम प्रीति सिंह को दी। एसडीएम की दखल के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टर राजपाल चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि मैंने पहले भी दो बार इस अस्पताल पर छापेमारी की थी। यह अस्पताल पूर्व में जनता अस्पताल के नाम से चल रहा था। शनिवार को अवैध रूप से जच्चा बच्चा केंद्र चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। चिकित्सक अधीक्षक संदीप चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने काफी प्रयास किया, लेकिन गेट नहीं खोला गया। मामले में जांच कर कार्यवाही की जाएगी। जिस क्लिनिक की सूचना आज मिली थी मुझे, उस क्लिनिक पर मैं दो तीन बार पहले भी जा चुका हूं, और वो जनता क्लिनिक के नाम से चलाया जा रहा था। आज के टाइम पर वहां से बोर्ड भी हटा लिया गया है। आज भी सूचना मिली थी, तो सूचना के आधार पर डॉक्टर संदीप चिकित्सा अधीक्षक डिलारी के द्वारा टीम बनाकर वहां पहुंचे थे। वहां पहुंचने पर अंदर से लोग पाया गया, पुलिस के द्वारा भी काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन क्लिनिक अंदर से खोला नहीं गया। अग्रिम कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी।